Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, आजकल मैं आपको वैसे questions के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे questions 10th class के English paper में आते हैं, board के exam में आते हैं, वैसे questions मैं आपको आजकल पढ़ा रहा हूँ. ठीक है friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको फायदा हो रहा होगा इससे और बिल्कुल फायदा हो रहा होगा. बिल्कुल friends, मैं बिल्कुल एक easy tricks बताता हूँ आपको, बिल्कुल easy tricks जो मीन्स जिसको अगर बेसिक इंग्लिश भी पता होगा थोड़ा बहुत भी तो वो कर सकता है उन क्वेश्चंस को. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. आज हम सीखेंगे वैसे सेंटेंसेस के बारे में जो क्वेश्चंस लैंग्वेज फंक्शन के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं कि लैंग्वेज फंक्शन को. स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में आज हम सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है क्वेश्चन. इस क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंसेस. इधर लेफ्ट साइड में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और राइट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है कि उनमें से इस सेंटेंस से कौन सा फंक्शन मैच करता है. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम शुरू करते हैं उसको बनाना. मैंने दोनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया, ये वाला क्वेश्चन था अभी, और उसके बाद मैं अभी आपको ये क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर बनाते जाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंसेस मीन्स ये जो लैंग्वेज का फंक्शन है, फंक्शन क्या है, इधर दिया हुआ है. वो जो सामने में दिया था लेफ्ट साइड में ये सेंटेंस था और राइट साइड में वो फंक्शन था यहाँ पर. तो ये फंक्शन क्या कह रहा है इस सेंटेंस के हिसाब से ये मैच करना है. मैं आपको भी बताता हूँ. आई हैव बीन सर्विंग इन दिस स्कूल सिंस 1989. मैं इस स्कूल में 1989 से सेवा कर रहा हूँ, यानी सर्विस नौकरी कर रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है, ये जो सेंटेंस है किस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है. अब यहाँ पर हम पढ़ के समझेंगे. टॉकिंग अबाउट रीजन, क्या किसी कारण के बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा है, या टॉकिंग अबाउट टाइम, या किसी टाइम के बारे में बताया जा रहा है, या मेकिंग रिक्वेस्ट, या किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है. तो बिल्कुल ही मीन्स क्लियर है ये कि टॉकिंग अबाउट टाइम, टाइम की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं 1989 से इस स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ. मीन्स टाइम इसमें एक्सप्रेस किया गया है, टाइम बताया गया है, इसमें टाइम शो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका होगा टॉकिंग अबाउट टाइम. तो इससे मैच कर देना है पहला का बी, इसके सामने लिख देना है बी. ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट है शो मी योर आई कार्ड प्लीज. तो इस सेंटेंस को पढ़कर ही आपको पता चल जाता है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है. ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी रिक्वेस्ट वाली बात हो तो मेकिंग रिक्वेस्ट सिंपल है. दूसरा नंबर का हो गया मेकिंग रिक्वेस्ट. ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा नंबर है बिकॉज ऑफ टूथ एक माई मदर कंसल्टेड द डेंटिस्ट. दांत दर्द की वजह से मेरी माँ डॉक्टर से मिली. ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें क्या बताया जा रहा है, मेरी माँ डॉक्टर से मिली. क्यों मिली, क्योंकि उसके दांत में दर्द था इसलिए वो डॉक्टर से मिली. इसमें भी साफ पता चल जा रहा है कि कारण के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि रीजन बताया जा रहा है इसमें. तो रीजन, टॉकिंग अबाउट द रीजन. ठीक है फ्रेंड, तो थर्ड नंबर का हो गया ए. ओके फ्रेंड, ऐसा मैचिंग कर देना है आपको सेंटेंस समझ के. सिर्फ सेंटेंस को थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए सेंटेंस आपको, फिर उसके बाद अपने आप समस्या का हल हो जाएगा. ओके फ्रेंड, अभी दूसरा क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पर. ये क्वेश्चन है, इसमें भी सेम चीज है और अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं. ओके फ्रेंड्स, पहला है मंथन हु इज माई कजिन सिंग्स वेल. मंथन जो मेरा चचेरा भाई है वो अच्छा गाता है. तो यहां पर अभी हम पढ़ेंगे जो इसमें फंक्शन दिया है कि एक्सप्रेसिंग नाइस्टीज, या नाइस्टीज डिस्क्राइबिंग एक्शन डिस्क्राइबिंग पर्सन. ओके फ्रेंड्स, इसमें साफ जाहिर है कि यहाँ पर मंथन के बारे में बताया जा रहा है,
किसी पर्सन के बारे में कोई खास चीज बताई जा रही हो, किसी भी पर्सन की चर्चा की जा रही हो, सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया है किसी पर्सन के बारे में, तो उसमें साफ जाहिर है कि डिस्क्राइबिंग पर्सन होगा, ठीक है फ्रेंड। अभी दूसरा होगा द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड लास्ट वीक, मतलब इसमें क्या किया गया है, कोई कार्य किया गया है, कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि लास्ट वीक रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि कार्य है, कार्य मीन्स होता है एक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो जिस सेंटेंस में भी किसी भी पर्सन द्वारा किए गए कार्य या किसी भी कार्य के बारे में होने या करने के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, तो समझ लेने को एक्शन की बात कही जा रही है, इसमें हो गया डिस्क्राइबिंग एक्शन। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा है हुर्रा वी हैव गॉट इट, वाह हमें यह मिल गया, हमने यह हासिल कर लिया, मीन्स इसमें जिस सेंटेंस में भी ज्यादा अच्छाई या खुशी उल्लास की बातें की जा रही हो, तो समझ लेना उसमें नाइस्टिस की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया डिस्क्राइबिंग नाइस्टिस। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से हम उसको हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे क्लास से कुछ फायदा हो रहा हो और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए देखते वक्त, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहे। ओके फ्रेंड्स, तब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।